इस मूवी जर्नी टू द वेस्ट में हम एक मॉन्क को देखते हैं जिसके तीन साथी होते हैं, एक फिश मॉन्स्टर, एक पिग मॉन्स्टर और एक मंकी किंग। दरअसल मॉन्क ने इन तीनों को अपने कब्जे में किया हुआ था और अपना गुलाम बनाया हुआ था। ये मॉन्क की मदद किया करते थे। अब मूवी के शुरू में मॉन्क हमें एक ऐसी जगह पर सोया हुआ दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत छोटे थे। उसके आसपास छोटे छोटे टेंपल्स भी थे। वो लोग उससे डर रहे होते हैं और मॉन्क को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी मॉन्क का लीडर वहाँ पर आ जाता है और उसे एक रोशन यानी चमकती हुई रिंग देता है। वो कहता है कि ये लो, इसे अपने सर के पीछे लगा लो, अब से तुम इनके राजा हो। जैसे ही वो रिंग पहनता है वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि रिंग खुद ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। मॉन्क काफी परेशान था कि हो क्या रहा है, और तभी परेशानी में ही उसकी आंख खुल जाती है। असल में उसका एक ख्वाब था, वो एक जगह पर सोया हुआ था और अब डर के उठ चुका था। वो जिस जगह सो रहा था उसके आसपास सर्कस हो रही थी। वहाँ के सब लोग उससे कहते हैं कि आप भी सर्कस में हिस्सा लेना। अब जो उसके पास गुलाम थे यानी फिश मॉन्स्टर और पिग मॉन्स्टर, वो उनकी सूरत में उनकी फॉर्म में लोगों को एंटरटेन करता है। उस मॉन्स्टर को देख के एक बच्चा रोने लगता है और लोग कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। फिर मॉन्क एक दरख्त की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखो वहाँ पर मंकी किंग है। लेकिन वो मंकी किंग साहिब कुछ करने के बजाय दरख्त से नीचे ही गिर जाते हैं। लोग इस वजह से भी मॉन्क पर गुस्सा होते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो, हमें तुम एंटरटेन करने वाले हो भी के नहीं। मॉन्क कहता है कि थोड़ा हौसला रखो और उनसे मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। उसी दौरान मंकी किंग भी उठ जाता है और अपने बाकी साथियों यानी पिग मॉन्स्टर और फिश मॉन्स्टर से कहता है कि हमें मिलकर कुछ करना होगा, तुम लोग मुझे मारना और हम इन लोगों को एंटरटेन करेंगे। लेकिन लोग अभी भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो इस बात पर पिग मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। वो उधर खड़ी हुई एक औरत पर अटैक करने की कोशिश करता है। लोग उसे पकड़ लेते हैं। मंकी किंग भी उसे मना करता है और कहता है कि ऐसा ना करो। वो फिर भी बाज नहीं आता, तो मंकी किंग उसका ध्यान बटाने के लिए पूरी सर्कस खराब करने लगता है। वो हर चीज तबाह करता जा रहा था। मॉन्क उसे मना करता है लेकिन वो उस पर ही गुस्सा हो जाता है। और अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पूरी सर्कस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मूवी की असल कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है जब एक औरत अपनी माँ को एक एक्सोसिस्ट के पास लाती है। उसका कहना ये था कि उसकी माँ पर किसी का साया है, उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी तो पूरी औरतों को कहती है कि ये मेरी बेटियां हैं। एक्सोसिस्ट भी इस बात पर बहुत हैरान होता है और फिर वो बढ़ता है उसकी माँ की तरफ ताकि उसका भूत या उस पर जो भी साया है उसको खत्म कर सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। तो फिर उसे पता चलता है कि असली मॉन्स्टर तो उसकी अपनी बेटी है, यानी वो लड़की जो अपनी माँ को इसके पास लाई थी। वो मॉन्स्टर में बदल जाती है, उसकी बॉडी अजीब हो गई थी। वो सब पर एक किस्म का जाला फेंकने लगती है। उसके हाथ और टांगे काफी लंबी हो गई थी, जैसे वो कोई स्पाइडर हो। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को वो मारने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम मॉन्क और मंकी किंग को एक साथ देखते हैं। मॉन्क मंकी किंग की बहुत पिटाई कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए मारा हूँ ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि कहाँ पर क्या करना है। वो कहता है कि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता, तुम्हें जब गुस्सा आ जाए तो तुम कोई भी चीज तबाह कर देते हो। जैसे तुमने सर्कस को तबाह किया था, तुम यहाँ भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। वो उसकी जुबान खींचता है, उसे पिंच करता है, उस पर थप्पड़ मारता है। साथ ही साथ वो मंकी किंग की पूरी बॉडी को ही हिट कर रहा था। यहाँ पर हम पास्ट का भी एक सीन देखते हैं जब मंकी किंग को एक जगह पर कैद किया हुआ था। वो कई साल वहाँ पर चेन्स में बंधा रहा और कैद रहा। मंकी किंग बेचारा ख्वाब में डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। तो मॉन्क कहता है कि सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉन्क को पानी चाहिए था और वो पानी की तलाश में घर में जाता है। उस घर में सिर्फ लड़कियां ही थी और वो भी बहुत ज्यादा। हर लड़की दूसरी लड़की से ज्यादा खूबसूरत थी। वो सब उनको देखते ही रह जाते हैं। बिग मॉन्स्टर को एक लड़की अच्छी लगने लगती है और मंकी किंग भी एक लड़की के सामने बैठ जाता है, लेकिन उसे तंग कर रहा होता है क्योंकि असल में वो लड़कियाँ कोई और क्रिएचर्स थी, वो बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर्स थी। मॉन्क जब ये देखता है तो वो मंकी किंग से कहता है कि तुम अपनी होश में तो हो। वो कहता है कि हम मदद मांगने आए थे और अब तुम्हारी वजह से हमें जाना होगा। लेकिन वो लड़कियां उन्हें जाने नहीं देती, अपने असली रूप में आ जाती हैं। यानी वो बड़ी बड़ी स्पाइडर्स बन चुकी थी और उन लोगों पर अटैक करने लगती है। वो लोग खुद को बचाते बचाते बाहर आ जाते हैं। मंकी किंग के सामने सबसे बड़ी स्पाइडर आ जाती है और वो उसी तरह उसकी जुबान खींचता है जैसे मॉन्क ने उसकी खींची थी, और इस तरह से वो स्पाइडर को मार देता है। जब मॉन्क को ये पता चलता है तो वो मंकी किंग से कहता है कि तुम्हें मैनर्स कब आएंगे, तुम कब सुधरोगे। हर चीज का हल ये नहीं होता कि वो जगह तबाह कर दी जाए या अगले को मार दिया जाए। मंकी किंग चुप करके उसकी बातें सुन रहा होता है और जैसे ही वो मॉन्क जाता है तो पीछे से वो बोलने लगता है। अब मॉन्क एक खामोश जगह पर जाकर आसमान के नीचे दुआ करता है यानी प्रे करता है।
कि बस गॉड अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सब कुछ डील कर सकूं, और ये मॉन्स्टर्स भी मेरी बात नहीं मानते, मैं इनको नहीं हैंडल कर सकता। अब ये मेरे बस की बात नहीं रही है। ये सब बातें बिग मॉन्स्टर भी छुप कर सुन रहा होता है। वो सारा कुछ आके मंकी किंग को बता देता है। मंकी किंग को तो पहले ही गुस्सा था। वो कहता है कि जब मॉन्क हमसे खुश ही नहीं तो हम इसको मार देते हैं, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्क जब ये देखता है तो उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ पढ़ने लगता है, लेकिन इस चीज का उस मंकी किंग पर अब कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अब उसकी गुलामी से आजाद हो गया था। अब वो उसका मजीद गुलाम नहीं था। मॉन्क उसे बचते बचाते ट्रक में फंस जाता है और उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग अभी भी नहीं डरता उससे। तभी आसमान से कोई तेज रोशनी निकलती है जिसे देखकर मंकी किंग डर के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ चुका था, यानी वो एक बहुत बड़ी और एक खौफनाक फिश बन चुका था। ये सब उन स्पाइडर से लड़ाई के बाद हुआ। फिर हम देखते हैं कि मॉन्क अपने तीनों साथियों को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाता है और वहाँ की रानी और राजा से मिलता है। उस मुल्क के लोग उन्हें देख के काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स थे। रानी उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। फिर वो लोग राजा से मिलते हैं, तो राजा उन लोगों से कहता है कि हाँ क्या लाए हो मेरी खिदमत में, मुझे किस तरह से एंटरटेन करोगे। तो मॉन्क और उसके साथी कहते हैं कि हम जानते हैं एंटरटेन करना, और ये कहते ही वो उसके सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी फनी नहीं थी। राजा को ये देख के काफी गुस्सा आता है कि ये मुझे पागल बना रहे हैं। वो उन्हें अपने महल से बाहर निकाल देता है कि ऐसी हरकतें पागल करते हैं, अपना इलाज करवाओ जाकर। मॉन्क जब बाहर आता है तो उसे अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है। वो मंकी किंग को फिर से मारने लगता है कि तुम लोग कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हो, और फिर उसे एहसास होता है कि वो तो खुद था जो कि अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। तो वो खुद को कोसने लगता है कि मैंने हर बार मंकी किंग पर ही हाथ उठाया है। वो खुद को ही मारने लगता है और कहता है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। वो जाता है और मंकी किंग के आगे झुक कर उससे माफी मांगता है। मंकी किंग उसे उठाता है और कहता है कि मैंने आपको माफ किया, अब हम दोस्त हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं और अब मिल के कहते हैं कि हम राजा के पास दोबारा जाएंगे, उसे भी माफी मांगेंगे और फिर उन्हें अच्छा सा एंटरटेन करेंगे। वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो असली राजा है ही नहीं, असली राजा को इसने कहीं गायब किया हुआ है। मंकी किंग चाहते ही उसे थप्पड़ मारने लगता है ताकि वो गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाए। जैसा वो लोग चाहते थे वैसा ही होता है, वो गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाता है। उसका मुंह लाल हो जाता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। असल में वो एक छोटा सा रोबोट था जो कि आग फेंका करता था। वो लोग उससे बहुत फाइट करते हैं और उस दौरान महल में जितने भी लोग थे वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। मंकी किंग क्योंकि बहुत गुस्से वाला था तो उसे बहुत जोर से हिट करता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। फिश मॉन्स्टर इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने मुंह से बर्फ फेंकता है जिसकी वजह से वो रोबोट फ्रीज हो जाता है, और फिर वो जाते हैं असली राजा की तलाश में। उस रोबोट मॉन्स्टर ने असली राजा को जमीन के नीचे कैद किया हुआ था। मॉन्क उस रोबोट राजा को कैद करके रानी को दे देता है और असली राजा को बचा लिया जाता है। असली राजा मॉन्क और उसके साथियों से बहुत खुश था और वो कहता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मॉन्क उसे कुछ नहीं मांगता तो असली राजा खुद ही उसे तोहफे में बहुत सारी लड़कियां दे देता है कि अब से ये तुम्हारी खिदमत किया करेंगी। मॉन्क कहता है कि नहीं मैं इन सबको अपने साथ लेके नहीं जा सकता, पर हाँ मैं ये चाहता हूँ कि इन सबको आजाद कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो वो सब लड़कियां कहने लगती हैं कि नहीं हम इसी जिंदगी में खुश हैं, हमें आजाद नहीं होना। लेकिन उनमें से एक लड़की खामोश होती है। राजा उसे अपने सामने बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ। वो लड़की कुछ नहीं बोल रही होती तो राजा उसे गाने के लिए कहता है और कहता है कि इस गाने के साथ डांस भी करो। वो लड़की बहुत डरी हुई थी लेकिन वो वैसा ही करती है। वो बहुत नाजुक और प्यारी लड़की थी। वो राजा को पसंद आने लगती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है ये कहकर कि अब ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन अब मॉन्क को भी दुख हो रहा था कि उसने इस लड़की को अपने साथ क्यों नहीं जाने दिया, उसने इसे वापस क्यों कर दिया। मॉन्क को दूसरी लड़कियां छोड़ने का कोई दुख नहीं था। मॉन्क अपने साथियों के साथ वहां से बाहर आ जाता है लेकिन अभी भी वो उसको मिस कर रहा था। तो वो सोचता है कि मैं राजा के पास वापस जाऊंगा और उस लड़की को इनाम के तौर पर दोबारा मांगूंगा। राजा कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब मेरे साथ ही रहेगी क्योंकि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मॉन्क बहुत उदास हो जाता है और उसकी उदासी देखते हुए रानी राजा से कहती है कि उसको ये लौटा दें। राजा उसकी बात मान लेता है और अब वो लड़की मॉन्क को दे दी जाती है। अब वो लड़की हर जगह उनके साथ साथ होती थी। मंकी किंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की मॉन्क के साथ इतनी अटैच क्यों हो रही है, क्योंकि उसे लगता था कि ये लड़की एक शैतान है, एक डीमन है। वो मॉन्क से कहता है कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वो लड़की इंसान नहीं है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। वो इस चीज का सबूत ढूंढने के लिए कभी तो उस लड़की का ब्लड लेता है और कभी तो उसे हर्ट करता है, लेकिन मॉन्क उसे मना करता है। तो मंकी किंग कहता है कि ठीक है अगर ये लड़की इंसान है तो इससे कहें कि हमें अपने गांव लेकर जाए, हमें इसकी फैमिली से मिलना है।
मॉन्क उस लड़की से ऐसा कहता है तो वो लड़की उन सबको अपने गांव लेकर आती है अपने घर वालों के पास। उस लड़की के घर वाले मॉन्क और उसके साथियों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जब मंकी किंग कहीं से साबित नहीं कर पाता कि वो डीमन है तो वो गुस्से में आकर उल्टा उसके घर वालों पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। मॉन्क उसे डांटता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने पहले भी एक लड़की को मार दिया जिसे मैं पसंद करता था। मंकी किंग सुनते ही वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अगले सीन में मॉन्क एक जगह पर उदास बैठा हुआ दिखाया जाता है, तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और उसे पूछने लगती है कि आपको क्या हुआ है। तो मॉन्क उसको उस लड़की की बातें बताने लगता है जिसे वो पसंद किया करता था। वो लड़की उसकी बातें बहुत प्यार से और ध्यान से सुन रही होती है, तो मॉन्क को इसमें वही लड़की नजर आने लगती है। वो दोनों भी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर फिश मॉन्स्टर और पिग मॉन्स्टर आ जाते हैं और मॉन्क को बताते हैं कि मंकी किंग बहुत गुस्से में आया हुआ है, वो हर जगह फसाद फैला रहा है, हर चीज तबाह कर रहा है, और तो और उसने इस लड़की के माँ बाप को भी मार डाला, और अब उसका अगला शिकार है ये लड़की। वो लड़की भाग के अपने गाँव में जाती है और मंकी किंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मॉन्क भी आ जाता है। वो मंकी किंग से कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, इसे छोड़ दो। वो लड़की मॉन्क के पीछे होती है। अब मंकी किंग मॉन्क पर ही अटैक करने आ रहा होता है, तभी वो लड़की मंकी किंग के पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा नहीं करो, इसको नहीं मारो। लेकिन मंकी किंग उस लड़की को हिट करता है जिससे वो दूर गिरती है, और अब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मॉन्क बीच में आ जाता है। वो रोड सीधा मॉन्क को लगती है, तभी वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि हाँ मैंने बोला झूठ, मैंने छुपाया तुम सबसे कि मैं एक शैतान थी, एक डीमन थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी जिंदगी में बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, कुछ आदमियों ने मेरे साथ बुरा करके मुझे मार दिया, इसीलिए अब मैंने शैतान बनने का सोचा था, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। ये सुन के मंकी किंग को और भी गुस्सा आता है और वो एक बहुत बड़ा गोरिल्ला बन जाता है, और इसी के साथ वो मॉन्क को निगल लेता है, उसे खा लेता है। अब वो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने लगता है, लेकिन उसके पाँव के साथ ही वो लड़की भी थी जिसने उसका पाँव मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब वो एक ऊंची जगह पर जाता है, वो लड़की भी उसके साथ वहाँ आ गई थी। तभी वहाँ पर वो रानी और वो रोबोटिक डीमन भी आ जाता है। रानी मंकी किंग से कहती है कि मैंने जान के इस लड़की को इधर भेजा ताकि तुम लोगों में लड़ाई हो। रानी कहती है कि मैं तो चाहती ही यही थी कि ये चीज तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम मॉन्क को मार डालो, अब तुम मेरे गुलाम होगे और मेरे लिए काम करोगे। तो मंकी किंग भी मॉन्क का कोई इतना भी दुश्मन नहीं था, उसने अभी तक मॉन्क को खाया नहीं था, बस वैसे ही निकला था। वो ये सुनकर मॉन्क को बाहर निकाल देता है, वो अभी तक जिंदा था। मॉन्क बाहर आकर रानी से कहता है कि क्या आप हमें बेवकूफ समझती हैं? क्या आप समझती हैं कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक अकलमंद है? जिस तरह आपकी प्लानिंग थी, इस तरह ये हमारी भी प्लानिंग थी। मंकी किंग शुरू से ही मेरी तरफ था और ये हमारा प्लान था कि वो वहाँ से नाराज होकर जाएगा ताकि आप लोगों पर ये इम्प्रेशन पड़े कि हमारी तो आपस में ही नहीं बनती। अब उन सब में फाइट शुरू होने लगती है और वो एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। वो पिग मॉन्स्टर और फिश मॉन्स्टर उस रोबोटिक डीमन को दोबारा से वैसे फ्रीज करके तोड़ देते हैं, और अब मॉन्क और उस रानी में लड़ाई चल रही थी। रानी फौरन से पानी में जाती है और बुढ़ा का स्टैचू बाहर निकाल लाती है। मंकी किंग भी उस पर मुसलसल अटैक कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये एक डीमन है और बुढ़ा एक अच्छे इंसान थे, वो अपनी पावर कभी भी एक डीमन को नहीं दे सकते। मंकी किंग अपनी स्टिक निकालता है और पानी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाता है उस जैसे दो स्टैचू और बाहर आ जाते हैं और मंकी किंग पर अटैक करने लगते हैं। मंकी किंग को समझ नहीं आ रहा होता कि बुढ़ा उस डीमन की मदद क्यों कर रहा है, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा हाथ पानी से बाहर आता है जो के रियल यानी असली बुढ़ा का था। वो उन तीनों स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देता है और मंकी किंग की जान बचा लेता है। उन स्टैचूज के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो रानी मंकी किंग के हाथ में आके गिरती है, तो तब बुढ़ा की आवाज आती है कि अब सुधर जाओ। उस रानी को कुछ होने लगता है और वो अचानक से गोल्डन ईगल में बदल जाती है जो कि उसका असली रूप था, और फिर बुढ़ा उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्यारी लड़की जो कि डीमन थी और मॉन्क के साथ थी, वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और वो मरने ही वाली थी। तभी वो मॉन्क से कहती है कि तुम मुझे रिहा कर दो, इस दुनिया से आजाद कर दो, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। तो मॉन्क इस दुनिया की और उसकी भलाई के लिए उसे आजाद कर देता है, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वो चारों एक सहरा में कहीं जा रहे होते हैं। तभी मॉन्क मंकी किंग में उस लड़की को देखता है जिसे वो पसंद करता था, क्योंकि मंकी किंग के सर पर जो बेल्ट थी वो उसी लड़की की थी। वो उसे वो बेल्ट मांगता है लेकिन मंकी किंग उसे नहीं देता, और इसी तरह ये लोग शरारतें करते हुए एक दूसरे से लड़ते हुए चलते रहते हैं। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।